प्रकृति ने मनुष्य को अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी है और उसके साथ ही एक विशेष शक्ति भी दी है और वो है स्मरण शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती है और यही वो शक्ति है जो मनुष्य को अन्य जीवों से अधिक श्रेष्ठ बनाती है, इतिहास लिखने की प्रेरणा देती है, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाती है और जो भूल जाते हैं अधिकतर रूप से वो उपहास और दया का पात्र बन जाते हैं। किंतु क्या यही पूर्ण सत्य है? नहीं, हर शक्ति के दो पहलू होते हैं। कोई भी शक्ति कितना भी दिव्य क्यों ना हो, उसका कुछ दुष्प्रभाव भी होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस रूप में करते हैं और उसके पीछे हमारा मंतव्य क्या है। ठीक उसी प्रकार यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, क्योंकि हम में से अक्सर लोग स्मरण शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो हमारे चित्त को दूषित कर देती है। बुरे अनुभव, किसी का दिया गया धोखा, किसी का किया गया कटाक्ष हम मनुष्य भूल नहीं पाते और फिर लग जाते हैं प्रतिकार में। पहले समय नष्ट करते हैं प्रतिकार की तैयारी में, फिर समय नष्ट करते हैं प्रतिकार का अवसर ढूंढने में। इसलिए यदि संतोष पाना है, यदि जीवन में आनंद पाना है, तो स्मरण शक्ति का सदुपयोग कीजिए। अपनी स्मरण शक्ति को केंद्रित कीजिए केवल अच्छी बातों और अच्छी यादों की ओर। जीवन में प्रसन्नता आएगी। राधे राधे।